हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल फ्रॉम एगेदर सेलर। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप इंडोसॉफ्टवेयर में आपने अभी तक एक बार भी लॉगिन नहीं किया है, आप न्यू यूज़र हैं, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए, और उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स चेक करनी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी डिजिसिपिंग साइट का काम करना है तो आप प्लीज़ सिर्फ मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ कीजिए। तो मैं डायरेक्ट डिजिसिपिंग साइट लॉगिन करता हूँ। तो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आप सिर्फ वही स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए आप, तो आपके सामने डायरेक्ट जो डिजिसिपिंग साइट का लॉगिन पेज है वो खुल जाएगा। तो आप नए यूज़र हैं तो सबसे पहले आप सीफर रजिस्ट्रेशन है जो, इस पर क्लिक कीजिए। इधर आपको अपना इंडोर्स नंबर डालना पड़ेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। जब ये दोनों डाल के आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी अपना दिया होगा तो आपके उस ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाएगा जिसमें आपका पासवर्ड होगा। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो वही सेम पासवर्ड आप यूज़ कीजिए, और जो आपका इंडोस नंबर है वो आप यूज़र आईडी की जगह यूज़ कीजिए, तो आप लॉगिन कर पाएंगे। मैं एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या डिटेल्स चेक करनी है वो भी बताऊँगा मैं। तो जैसे आपने लॉगिन किया तो मेन चीज़ होती है आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक करनी है कि मैंने जो भी अपना नेम डाला है, अपना एड्रेस डाला है, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ क्या जो भी डाली है, वो मेरी एड्रेस पर पासवर्ड है कि नहीं। तो आपको ये सारी डिटेल्स है अपनी वो चेक करनी है। तो चेक करने के लिए आप जो अपडेट सीफर प्रोफाइल दिख रही है आपको, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई डिटेल्स या नेम वगैरह कोई भी मेरी गलत है तो जो आपको सामने जो नीचे ऑप्शन है एक और रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल डिटेल्स करेक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी गलत है, नेम है आपका, एड्रेस गलत है आपका, प्लेस ऑफ बर्थ, आप उसको करेक्ट करवा सक पाएंगे। तो इसके लिए मैंने आप डिटेल्स कैसे अपडेट करा सकते हैं इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो मैं सीधा अपनी डिटेल्स चेक करता हूँ कि मेरी डिटेल्स जो भी है वो सही है कि नहीं। तो जब आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि हाँ मेरी डिटेल्स सारी सही है, इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल कर लेंगे नीचे तो आपको अपना हाइट वेट वगैरह ये डिटेल्स भी डालनी है। ये डिटेल्स पहले से अपडेट नहीं होती हैं तो आप अपनी ये डिटेल्स डाल दीजिए और सेव कर लीजिए। इसके बाद जो आपको चेक करना है वो है मास्टर चेकर। आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा मास्टर चेकर का, आप उस पर क्लिक कीजिए। और इस पर मेनली आपको मास्टर चेकर पर यही चेक करना है कि मैंने जहाँ से भी STEW जो कोर्स किए हैं वो DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से किए हैं कि नहीं किए हैं। क्योंकि अगर वो DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होगा तो आपको इधर जब आप इधर ट्रेनिंग डिटेल्स जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी सर्टिफिकेट आपने किया होगा जो भी कोर्स का वो इधर आप जैसी कोर्स आपका ख़त्म होता है वैसे डिटेल्स ये आपकी तुरंत अपडेट हो जाएंगी इधर। और इधर उसका सर्टिफिकेट नंबर, ज्वाइनिंग डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट सब कुछ लिख के आएगा, सर्टिफिकेट नंबर भी आपका लिख के आएगा। तो अगर इधर वो शो कर रहा है मतलब आपने DG अप्रूव्ड कॉलेज से ही वो कोर्स किया है, तो आप प्लीज़ ये डिटेल्स जरूर चेक कीजिए। ये डिटेल्स आपकी अगर सब सही है, इसके बाद जो आपको करना है वो आपको अपना जो पासपोर्ट है वो डिजिटिंग साइट पर अपलोड करना है। तो जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट टू ऐड और अपडेट पासवर्ड डिटेल्स है उस पर आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर दिख रहा है ऐड न्यू पासवर्ड, आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो इधर से आपने न्यू पासवर्ड की डिटेल्स जो भी आपका पासवर्ड है तो उधर से आप अपडेट कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं तो आपको इतनी ही डिटेल्स चेक करनी है। और कोई भी अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो में, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।